हेलो दोस्तों, डॉक टॉक में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज लेते हैं। आज का क्वेश्चन है मिस्टर नरेंद्र का। वो बोलते हैं कि डॉक्टर, SPF 30 अच्छा है या SPF 50 अच्छा है सनस्क्रीन्स के अंदर? या आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। ओके, देखिए मिस्टर नरेंद्र, SPF 30 या SPF 50 का ज़्यादा उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जितना कि आप उसको कैसे लगाते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको एक अच्छी आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे सनस्क्रीन कैसे लगाना है। आप क्या समझते हैं SPF 30 में और SPF 50 में कितने परसेंट प्रोटेक्शन का अंतर होता है? ओनली सिर्फ 4%। ओके, SPF 30 रफली 92% तक प्रोटेक्शन देती है, जबकि SPF 50 देती है 94.5%। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे SPF 30 लगाना है या SPF 50 लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोचिए कि मुझे SPF जो है, जो सनस्क्रीन है, मुझे कैसे लगानी है। ओके, तो हमारी इंडियन स्किन के लिए SPF 30 मोर देन सफिशियंट है, आपको SPF 50 की जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेशली अगर आपका इंडोर होता है या फिर आपका ज़्यादा आउटिंग ज़्यादा नहीं होता है, तो अब कैसे लगाना है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके तीन रूल होते हैं सनस्क्रीन लगाने के। पहली बात है, उसको बार बार लगाइए ऑन ए रेगुलर इंटरवेल। चाहे SPF 30 हो, चाहे SPF 50 हो, कोई सा भी SPF हो, उसका जो इफेक्ट होता है वो रफली 2 आवर्स होता है। तो आपको हर 2 घंटे बाद में सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी, पहली बात। सेकंड, कैसे लगाओगे? ये कोई सिंपल क्रीम नहीं है कि आपको थोड़ा सा लगाया और बस ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक यूनिफॉर्म और एक थिक कोट लगाना पड़ेगा। ओके, चाहे आपका स्किन हल्का सा व्हाइटिश दिख रहा हो तो दिखने दीजिए, कोई बात नहीं। और थर्ड होता है कि हमें एप्लीकेशन कब करना चाहिए, तो ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए थी। एप्लीकेशन हमेशा बाहर जाने से आधे घंटे पहले लगाइए, एटलीस्ट 20 मिनट्स पहले तो लगानी ही पड़ेगी आपको। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम कोटिंग लगाते हैं सनस्क्रीन की, तो उसके बाद में वो स्किन पे एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब होने के बाद में उसका एक्शन बहुत अच्छा आता है। सो इस तरह से प्लान कीजिए कि ठीक है, अगर आपको 8:30 बाहर निकलना है तो एटलीस्ट 8 o'clock आपकी स्किन पे सनस्क्रीन होनी चाहिए। सो ये था सनस्क्रीन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको स्किन और हेयर के बारे में ऐसे क्वेश्चंस, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन जो बटन है वो भी दबाना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।